पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार दूसरे राज्यों और जिले से आ रहे लोगों के कारण संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में स्टेशन पर जोरदार जांच के बाद हम जानते हैं बस स्टैंड पर क्या हाल है, किस तरह से वहां पर कोरोना की जांच की जा रही है और कितनी संजीदगी से कोरोना काल में वहां पर व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। की तरफ से कितना किट दिया जाता है प्रतिदिन जांच के लिए? 100। यहाँ पर बस स्टैंड पे आप लोग ही यहाँ पर जांच के लिए हैं और कोई दूसरी टीम? दूसरी टीम सभी टीम में बांटा हुआ है, सब अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह, हाँ। तो मतलब प्रतिदिन 100 किट दिया जाता है कि आज सिर्फ 100 किट मिला है? कभी 100 मिलता है, कभी 200 मिलता है। अच्छा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव मामले सामने आते हैं, ऐसे जो आप लोग किट लेकर जा रहे हैं, कितने केसेस सामने आ रहे हैं? ऐसे तो केस आ ही रहे हैं। अभी तक कितने टेस्ट किए हैं आपने? अभी तक कुछ नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो आए हैं। हाँ, अभी तो स्टार्ट नहीं किया। तो लोग आके टेस्ट करवाते हैं खुद से या फिर आप लोगों को जाकर टेस्ट करना पड़ता है? आके टेस्ट करवाते भी हैं, फिर कराना पड़ता है बुला करके। हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम है सुनीता। काफी जोरों शोरों से कोविड जांच की जा रही है, यहाँ पर स्टैंड पर क्या व्यवस्था है कोविड जांच? यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोग उसी तरह रह रहे जिस तरह पहले चल रहा था, कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आदमी आने भी छोड़ देगा? हाँ, आदमी आने छोड़ देगा, लोगों का बस खाली जा रहा है। हाँ, जैसा झारखंड का सपना जो सोचा था आदमी ना, उस तरह का यहाँ कुछ है नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है। जितना बस देख रहे स्टैंड, ये व्यवस्था है क्या? ये कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर काफी जोरों शोरों से जांच चल रही है, यहाँ पर क्यों नहीं चल? जांच यहाँ पर भी चल रही है मैडम, ये मोड़ पे चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई स्ट्रिक्टली कोई जांच नहीं चल रहा है। लोग इससे अब डर लोगों का ख़त्म हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। और मतलब साफ सफाई भी बढ़िया नहीं है, कोरोना का डर है लेकिन जांच, लेकिन लोग भगवान के ऊपर बहुत आस्था रखते हैं ना, बोलते जो करेगा भगवान ही करेगा, इसलिए कोरोना से लोगों को डर खत्म हो गया है। जबकि इसका सुरक्षा आदमी को करना चाहिए, जैसे अभी हम आपका सामने बोल रहे हैं, लेकिन हमको भी सुरक्षित बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपका सामने कम से कम मुँह ढाक ले रहे हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि नहीं, सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है। जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तब हम कोरोना से या किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। सुरक्षित रहेंगे तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकेंगे। लोगों के अंदर चेतना की ज़रूरत है और जब तक इसका जोर शोर से सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी तो लोग इसी तरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऊपर वाले के भरोसा में रहेंगे। साफ सफाई का बहुत। आपका नाम? मेरा नाम हुआ राजा राम। यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जांच नहीं होता है यहाँ पर और कोई मास्क वगैरह लगाता नहीं है। यात्री आते हैं, चढ़ते उतरते हैं, उस दौरान कोई जांच नहीं है? उस दौरान में कोई जांच नहीं होता है यहाँ पर। ऐसे यात्री आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सबका यहाँ पर टेस्ट करवा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बस में बैठा रहे हैं, फिर सवारी को यहाँ से भेज रहे हैं। प्रतिदिन कितने यात्रियों का टेस्ट हो जाता है यहाँ? प्रतिदिन कभी 50 कभी 100 इसका टेस्ट होता है, अगर 200 भी हो जाता है कभी कभी। कोई सवारी उतरता है, कोई सवारी का कोई जांच पैसे नहीं है यहाँ पर, कोई मास्क नहीं लगाए हैं बादशाह का। जब राज्य भर में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर है और रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 2000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा रही है, ऐसे में बस स्टैंड का हाल देखने लायक नहीं है। जहां बस स्टैंड पर मुश्किल से 50-100 लोगों की कोविड जांच की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की कोई स्थिति साफ नहीं है। बस स्टैंड में काम कर रहे लोगों का कहना है कि यहां पर जांच होना और ना होना बात बराबर है और कोरोना काल में उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। जहां एक तरफ यात्री ना आने के कारण बस बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, चूँकि जाँच की व्यवस्था शून्य के बराबर है।
ऐसे में जिला प्रशासन कहाँ है और बस स्टैंड की ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है, इस पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। तो ज़रूरत है इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की और स्थिति में सुधार लाने की, चूँकि खतरा चारों तरफ है, मंडरा रहा है। ऐसे में जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं, सिर्फ ना उनकी जाँच चेक पोस्ट नाकों पर की जाए, क्योंकि वहाँ पर भी पूरी जाँच नहीं हो रही है, बल्कि उतनी संजीदगी से यहाँ पर चढ़ रहे यात्रियों की भी जाँच हो और उतर रहे यात्रियों की भी जांच हो, ताकि बस स्टैंड पर भी कोरोना का खतरा कम हो सके। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।